ताजी रोटी की अपेक्षा बासी रोटी अधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि लंबे समय तक रखे रहने के कारण इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वे सेहत बनाने में लाभकारी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बासी रोटी खाने के 5 फायदे के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बासी रोटी को रोज दूध के साथ खाने से डायबिटीज और बीपी नियंत्रित रहता है। रोटी के बासी हो जाने से उनमें कुछ लाभकारी बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज की मात्रा भी कम होती है। बासी रोटी को दूध के साथ खाने से पेट की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इससे एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्या दूर होती है। नंबर 2, दुबलेपन को दूर करती है बासी रोटी। दूध के साथ बासी रोटी खाने से शरीर का दुबलापन भी दूर होता है और शरीर में बल वृद्धि होती है। शरीर के दुबलेपन को दूर करने के लिए यह सबसे कारगर उपाय भी है। खासकर रात के समय बासी रोटी खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। नंबर 3, बासी रोटी में विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होती है। वहीं ग्लूटेन से एनर्जी वाले रोग ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अन्य आटे की विकल्प चुन सकते हैं, जो काफी हेल्दी होता है। नंबर 4, अगर आप ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आपको ठंडे दूध के साथ बासी रोटी को 10 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें और सुबह नाश्ते में इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। नंबर 5, शरीर के तापमान को कंट्रोल करें। बासी रोटी शरीर के तापमान को भी संतुलित बनाए रखने में मददगार साबित होता है। दूध के साथ बासी रोटी खाने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। खासकर गर्मियों में इसका सेवन करने से स्ट्रोक जैसी समस्या नहीं होती